विद्यालयों के द्वारा जो काम होता है या करते हैं ऐसे विद्यालयों को यहाँ बुलाया, उनके प्रधानाचार्यों के साथ बैठ करके इस बारे में विचार चर्चा करेंगे। क्या कुछ मुख्य मुद्दे होंगे? मुख्य मुद्दे तो यही है कि शिक्षा को ध्यान में रखते हुए आगे आने वाली नई शिक्षा नीति है उसको लेकर के, और वर्तमान समय में जो समाज शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों का मुकाबला हम कैसे करें, पाश्चात्य संस्कृति का प्रकोप जो बढ़ रहा है उस प्रकोप से कैसे बचाया जा सके और संस्कार युक्त शिक्षा बच्चों को कैसे दी जा सके, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। देखा जाए तो अभी ज़्यादा से ऐसे छात्र हैं जो हिंदी ज़्यादा होती है, उसके बाद से वो रास्ते भटकने लगते हैं, कहीं कहीं जो टीचर होते हैं और स्टूडेंट को सही समझ रहे हैं। ये हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हम बच्चों की भी काउंसलिंग करते हैं, अभिभावकों भी काउंसलिंग करते हैं और आचार्यों की भी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा क्या करना चाहता है, बच्चे के मन में क्या चल रहा है, बच्चा क्या चाहता है, अभिभावक के मन में क्या है। ये शिक्षक माने और अभिभावक और हमारा बच्चा और प्रबंध तंत्र, ऐसे हम मिलकर के मानते हैं ये पंच परमेश्वर हैं, पांचों को साथ लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता, और वह हम करते हैं, क्योंकि अगर ये पांचों में से एक भी गड़बड़ हो गया तो फिर शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं किया जा सकता। तो सभी की आवश्यकता है, वो सबको साथ लेकर के हम चलते हैं, वो सबको माने एक तरह से संतोषजनक उनको लगे कि हाँ हमारे बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा ये दे रहे हैं, और बच्चों को भी लगता है कि नहीं मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, वैसा हम प्रयास करते हैं। ये विद्यालय काफ़ी कई क्षेत्रों में काम करते हैं, ऐसे भी सिवान के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, सिवान के आचार्य प्रधानाचार्य का है, और समाज हम पर भरोसा रखता है कि यहाँ के विद्यालयों के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो एक कहा जाए कि आचार्य प्रबंध तंत्र और यहाँ का समाज सब मिलकर के शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसका परिणाम भी दिखाई देता है। आज माने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, ऐसे विद्यालयों का क्रम बढ़ता जा रहा है, और समाज का विश्वास हमारे सभी कार्यकर्ता जीत रहे हैं, उसका परिणाम है, सबको लगता है कि अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और सर्वांगीण विकास की चिंता कर रहे हैं हर प्रकार की दृष्टि से, तो यहाँ एक स्थान बना है, इसीलिए समाज में भी हमारे प्रति श्रद्धा भक्ति जगी।